हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो आप लोग? मैं आपके सामने एक बार फिर चंदन पहाड़ी एक नया ब्लॉग लेके आया दोस्तों। जैसे कि आप जानते कि लगातार 8-10 दिनों से जो है उत्तराखंड में भारी बारिश का जो है सामना करना पड़ रहा लोगों को, और जगह जगह तबाही हो रही है। और जैसे कि हम आए हैं अभी गौला नदी में, तो गौला नदी का जो है अभी पानी जो है उफान पर चल रहा है, उतना नहीं चल रहा, बहुत कम चल रहा है उफान पर। और पहाड़ों में बारिश होने के बाद जो है जब यहाँ पूरा गौला नदी भर जाती है, तो आधे गाय इधर अटके पड़े हैं, आधे गाय इधर वार हैं, आधे गाय पार हैं। तो जैसे कि भाई आप देख रहे हैं पूरा गौला जो है, आपका गौला का दृश्य दिखा रहा हूँ। पूरा गौला जो उफान पर चल रही है अभी, जो खैर उधर थोड़ा बारिश से कुछ राहत मिली है तो पानी कम है। और तो हमारे साथ है कृष्णा भाई, है भाई ड्रीम प्लेट फ्लाइट के, इनके जो है यूट्यूब चैनल, तो इनको संपर्क करिए, तो ये बताएंगे कुछ गौला के बारे में। देख रहे हो गौला दिन पर दिन चौड़ी होती जा रही है। पेड़ काटने से क्या होता है, जमीने क्या होता है, जब पानी बह गया आता है तो जमीन कटती है, जहाँ से ज़्यादा पेड़ लगाओ जमीन ना कटे। और इस वक्त बारिश होने शुरू हो गई है और थोड़ी थोड़ी छींटे आ रहे हैं। और दोस्तों बारिश के छींटे मीटे आ रहे हैं, मेरा जो है कुछ डिस्टर्ब हो रहा है। तो दोस्तों आपको हम दिखाएंगे आगे अगले का दृश्य कि क्या है करके, और हम निकलते हैं यहाँ से, नहीं तो भीग जाएंगे, हमारा कैमरा भीग जाएगा, हमारा पूरा सेटअप जो बना रखा है हमने, हमारा भीग जाएगा। क्यों जो चलते हैं आगे को नुकसान हो जाएगा। तो हम आपको आगे का समाचार दिखाते रहेंगे। तो हमारे साथ वीडियो में रहे चंदन पहाड़ी के साथ, और पहाड़ के हालात और पहाड़ के जो भी नुकसान हो रहा है उससे आपको रूबरू कराऊंगा। जैसे कि आप जानते हो कि उत्तराखंड में जो है भारी बारिश के कारण जो है जीवन अस्त व्यस्त है, तो जीवन अस्त व्यस्त पस्त करने के लिए हम आए हैं यहाँ गौला पे। तो गौला पे देखते हैं कितना पानी है, और पानी भी हो गया, और शायद यहाँ तो मच्छियाँ बहुत कम होती हैं। मच्छियाँ जहाँ गहरा पानी जहाँ होता है वहाँ मच्छियाँ होती है। पर एक बार हम आज जाते हैं, मच्छियाँ ढूंढते हैं, आपको दिखाते हैं मच्छियाँ। तो ये देखिए गौला का नज़ारा, ये देखिए गौला का शाम का नज़ारा, पानी बहुत कम है अभी तो। ये देखिए इस साइड जो है सफ़ेद पानी आ रहा, और इस साइड जो है गंदा पानी आ रहा है। आप पत्थर है, इनको तुम अपने घर ले जा सकते हो। ये जो है आयुर्वेदिक दवा पीसने के काम आएगा। ये पतंजलि वालों का जो दवाई इसमें कूटते हैं ना धान घूरा, तो वो यही काम में आता है, इसीलिए पीसते हैं। ये शुद्ध पत्थर है, अलग अलग पत्थर है और अलग अलग वैरायटी के पत्थर हैं, जैसे कि देखिएगा। और आपको दिखाता हूँ और अलग से पत्थर, ये देखो ये वाला पत्थर का नमूना अलग है, पत्थर का नमूना अलग है। और ऐसा पत्थर यहाँ नहीं पाए जाते हैं, ये बड़े मुश्किल से पत्थर पाए जाते हैं, ये ब्लूप्रिंट के आधार पर है, ये ब्लूप्रिंट के आधार पर पत्थर है, ये बड़े मुश्किल से मिलेगा आपको। तो दोस्तों धीरे धीरे जैसा कि बारिश ख़त्म होते जा रही है, बारिश ख़त्म होने के बाद जो है गौले का जो है पानी का जल स्तर भी जो है कम होते जा रहा है। तो लोग जो गौला पार रहते हैं, यहाँ से जो है आपका रास्ता जो है जाता है डोली रेंज, यानी कि शक्ति फार्म और सितारगंज, और ये चोरगलिया, ये वाला रास्ता है यहाँ से, कि लोग यहीं से कभी कभी ड्यूटी करने पर जाते थे। आजकल तो बारिश होने के कारण जो है नाले और नदी सारे भर गए, तो इसलिए यहाँ से ड्यूटी नहीं जा रहे हैं, वो जा रहे हैं बाईपास होते हुए, किच्छा होते हुए। तो दोस्तों सभी दोस्तों निवेदन है कि आजकल जो है जो बाहर से टूरिस्ट लोग हैं,
आने वाले, तो मेरे हिसाब से तो अभी जो है पहाड़ में जाना जो है सही नहीं है, खतरा है, क्योंकि कभी भी बारिश हो सकती है और कभी भी जो है पहाड़ नीचे आ सकते हैं, दरक सकते हैं, तो अपने को सेफ बचा के चलिए। अगर जाना भी है तो आराम से जाइए, देख के जाइए, क्योंकि रास्ता हर जगह ब्लॉक है। तो सभी से गुजारिश है, तो मिलते हैं आपको फिर किसी और वीडियो में। हमारे साथ वीडियो में बने रहे, चंदन पहाड़ी को लाइक और सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपका बहुत सपोर्ट है, ऐसी बात नहीं। तो आजकल मेरे पास वीडियो बनाने के लिए वैसा कोई था नहीं, इसलिए मैं थोड़ी बहुत आपको जो है गोला का दृश्य नज़ारा दिखाने चाह रहा था, तो इसलिए जो है इस गोला में आया हूँ। चलते हैं, हो चुकी है शाम, अब जाएंगे हम घर को। और यहाँ का बहुत ही अच्छा भव्य नज़ारा है, शाम के टाइम बहुत ठंडा और ठंडी ठंडी हवा चलती है। देखो दोस्त लोग सारे लोग जो है अपने घर से निकलते हैं, घर से निकलने के बाद शाम के टाइम यहाँ आराम से बैठते हैं और बैठने के बाद इंजॉय करते हैं खूब ज़्यादा। तो हम भी अब थोड़ी बहुत घूम चुके हैं और हो चुकी काफ़ी देर, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग पे। ओके बाय।